नमस्कार दोस्तों, वृद्धि लीगल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं कृति शुक्ला एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण चर्चा पे बात करेंगे, जो कि है प्रवासी मजदूर यानी माइग्रेंट लेबर। इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं बहुत ही प्रेस्टीजियस पैनलिस्ट, जो कि है डॉक्टर संगीता लाहा मैम। शी इज डीन ऑफ फैकल्टी ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रांची। और हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर जर्नलिस्ट निशान बिसेन सर जी। आप दोनों का वृद्धि लीगल में स्वागत है। इस कोरोना के संकट में हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर अपने राज्य को छोड़कर के घर लौट चले हैं। इसमें ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या उन प्रवासी मजदूरों को कोरोना के सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं, क्या उन्हें क्वारंटाइन में रखा जा रहा है, क्या उनकी भुखमरी का कोई इलाज हो रहा है। इस लॉकडाउन में जो फंसे हुए प्रवासी मजदूर हैं, क्या उन्हें वेतन मिला है यानी कि वेजेस। इन सारे ही असुविधाओं से जूझते हुए ये प्रवासी मजदूर बहुत ही संकट की घड़ी में एक अपने घर के ओर लौट चुके हैं। तो इन्हीं सब से और इन्हीं सब बातों से हमारा पहला प्रश्न डॉक्टर संगीता लाहा मैम से है कि क्या मैम आपको लगता है कि कितना चैलेंजिंग और क्या कंडीशंस हैं इन माइग्रेंट लेबर की हमारे इंडिया में? देखिए, हमने जो टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर के आधार से हमें जो कुछ कुछ तथ्य मिला है, इनकी हालत बहुत बुरी थी। मुझे अपना पर्सनल व्यू है कि लॉकडाउन अनाउंस करने के पहले ये हमारी भारतवर्ष इंडिया इतनी बड़ी क्राइसिस में फेस करेगी ये मजदूरों के साथ, माइग्रेंट वर्कर्स के साथ। ये शायद कोई भी एट द गवर्नमेंट लेवल ये इन लोगों ने इस चीज को सोचा ही नहीं था। दूसरी बात, लॉकडाउन बड़ी जल्दी ही अनाउंस किया गया। आपको मालूम होगा या याद होगा, पहला तीन दिन की जनता कर्फ्यू थी, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर हमारे चैनल में आए और उनके उसके बाद लॉकडाउन अनाउंस किए। तो ये तीन दिन जो है, और खास करके होली के बाद जब माइग्रेंट वर्कर्स अपने घर से फिर से काम की जगह में लौट आए थे, ये हमें बहुत प्रैक्टिकल नहीं लगा। तो ये तो मैं उस जगह में नहीं हूँ कि एनालिसिस कर सकूं, मैं आई एम नो पर्सन, बट हमें ये फीलिंग हुआ कि अगर ये लॉकडाउन होली के पहले जब हमारी फर्स्ट कोविड केस की जानकारी होने लगी, उसी समय अगर इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर्स जैसे जिन लोग फंसे हुए थे, डोमेस्टिक फ्लाइट्स या तो बंद करते, जैसा अगर कोविड नहीं आ पाती हमारे कंट्री में, हमारे देश में, या कुछ टाइम देते और उन्हें बता दिया जाता कि आपको या तो घर लौटना है या वहीं पे ही रह जाना। तो अगर ये किया जाता, अगर ये सोच पर थोड़ी सी अगर वर्कआउट गवर्नमेंट करती, तो हमारे खास है ये जो बाद में हम लोग एयरलाइन से माइग्रेंट इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर जो कि हमारे ऑल कंट्री में है, इंग्लैंड में फंसे हुए थे, इटली में फंसे हुए थे, इन लोगों को पहले से ही या तो वापस ले आया जाता या उनको मेंटली इक्विप कर दिया जाता कि आपको वहीं ही रहना है और आपको चैलेंजेस फेस करना है। तो गवर्नमेंट इस पर मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा काम नहीं की होगी, हालांकि वो पूरा WHO का गाइडलाइंस मानते हुए ही लॉकडाउन हो रही थी, उसमें मेरी दो राय नहीं है, मगर इसके पहले इस तत्व पर थोड़ा होमवर्क कर लेना चाहिए। ये मेरी अपना पर्सनल व्यू, जो कि बट आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू एनालाइज गवर्नमेंट स्तर में क्या हो रहा है, ये मैं नहीं एनालाइज करती, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इसके ये होमवर्क ऑन माइग्रेंट वर्कर्स, स्पेशली इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर्स, बॉर्डर माइग्रेंट वर्कर्स और इंटरस्टेट वर्कर्स को, या तो आप घर होली के पहले ही अनाउंस कर देते, तो जो घर जा चुके थे तो वो आप वापस नहीं आते। जैसे स्टूडेंट्स के बारे में गवर्नमेंट पहले ही बता चुका था कि जिन लोग होली में घर गए हैं वो वापस नहीं आए। सिमिलरली कितने लाखों के माइग्रेंट वर्कर्स को अगर ये अनाउंसमेंट हो जाता, तो मेरे ख्याल से कुछ तो हद तक हम लोग ये क्राइसिस से बचा पाते, एटलीस्ट हम लोग को ये फेस होता कहने के लिए कि माइग्रेंट वर्कर्स को पहले ही हम लोगों ने चेतावनी दे चुकी थी। तो ये गवर्नमेंट इस पर वर्कआउट, ये मेरी पर्सनल।
सर निशान सर, मुझे आपसे इसी पे जानना है कि आपको क्या लगता है कि मीडिया के लिए कितना डिफिकल्ट और कितना चैलेंजिंग रहा है ड्यूरिंग दिस कोरोना वायरस। हम अगर होली के बाद से देखें तो लगभग पिछले 2-2.5 महीनों से मीडिया के अलग अलग सेगमेंट में, चाहे अखबार हो, टीवी हो या दूसरे प्लेटफॉर्म हो, हर जगह अगर हम कोई चीज का जिक्र कर रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर हम कुछ देख रहे हैं तो वो सिर्फ कोविड 19 से जुड़ी खबरें हैं, इससे जुड़े पहलू हैं। और अगर मीडिया के नजरिए की बात की जाए तो जिस तेजी से पिछले कुछ महीनों में कोरोना बढ़ा है उससे ज्यादा तेजी से इससे जुड़ी खबरें फैल रही हैं, तो ये बहुत संवेदनशील मसला है। अगर मीडिया के नजरिए से देखा जाए तो इसके खबरों पर भी उतनी ही संजीदगी से इन खबरों को देखा जाना चाहिए। अगर आप मुझसे माइग्रेंट्स के बारे में सवाल पूछें तो हमने इस दौरान जो सबसे गंभीरता से अगर किसी चीज को देखा तो वो प्रवासी मजदूरों को देखा। बदहवास दौड़ते अपने घरों की तलाश में जुटे हजारों लाखों मजदूर हर स्टेट में हमने देखे जो अपने गांव लौटना चाहते हैं। और जैसा अभी संगीता मैडम ने भी कहा कि कहीं ना कहीं इस बात का एनालिसिस करने में चूक हुई कि मजदूरों का इतना विकट संकट हम सभी को देखने को मिलेगा और तस्वीर पूरे देश के सामने है। हालांकि स्थितियां धीरे धीरे सुधर रही हैं, लेकिन बहुत मुश्किल वक्त देखा है गरीब परिवारों ने, उनके सामने रोजी रोटी का संकट हमने देखा महानगरों में, उनका जब पेशा छूटा, उनके सामने परिवार पालने की चुनौती हुई, तो अपने सीमित संसाधनों के साथ, अपनी सीमित सोच के साथ, अपनी सीमित अप्रोच के साथ उनके सामने अगर कुछ था तो वो था अपने गंतव्य की ओर लौटना, अपने घर लौटना। वो किसी भी कीमत पर घर लौटना चाहते थे, किसी ने इसके लिए साइकिल का सहारा लिया, कोई पैदल चल पड़ा, कोई परिवार के साथ सिर पर एक गठरी, कोई बच्चों को लेकर, किसी भी जो जिस स्थिति में था वो उसी स्थिति में अपने घरों की ओर लौटा। और आज भी हम देख रहे हैं हजारों प्रवासी सड़कों पर हैं, हालांकि अब राज्य सरकारें उनको लेकर संवेदनशील हुई हैं, श्रमिक स्पेशल बसें चल रही हैं, ट्रेनें चल रही हैं, तो किसी भी तरह से कोशिश है कि इन श्रमिकों को घर पहुंचाया जाए। मैम, आपको क्या लगता है कि इज देयर एनी वॉइडिंग ऑफ द लेबर लॉज इन इंडिया और कैसे ये कनेक्टेड है फ्रॉम द इंटरनेशनल कन्वेंशंस ऑफ द लेबर? देखिए, हमारा तो लास्ट सेंसस 2001 का है और 2001 का सेंसस है फ्रॉम 1991 टू 2001, मतलब कि आपका हम लोग 20 में घुसे हैं तो 9 साल पहले की मैं आपको बता रही हूँ। उसी समय ही इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स की प्रतिशत जो है 55% बढ़ चुकी है और उसके बाद का जो फेज है ये हम लोग कहते हैं ना, हमारी हिंदी में कहावत है बड़ी शहर ड्रीम सिटी, तो हर माइग्रेंट या हमें आम जनता को भी, आम लोगों को भी न्यू दिल्ली एंड मुंबई अपीयर्स टू बी अ ड्रीम सिटी। हालांकि ड्रीम सिटी तो बहुत ही है, आप राजस्थान में भी जाइए तो वहां पे भी वो काफी कुछ देखने को मिलेगा, गुजरात में तो माइग्रेंट वर्कर्स आप देखिएगा ज्यादातर बिहार, झारखंड, यूपी, ये सब जगह से, एमपी, ये सब बड़े स्टेटों से माइग्रेंट वर्कर्स एक सप्ताह लेके थ्रू द कॉन्ट्रैक्टर्स, क्योंकि ये स्ट्रेट जाके एम्प्लॉयमेंट इन्हें नहीं मिलती है, दे आर एक्चुअली इन कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस, तो थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स में जाके लोग ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइजेस या फैक्ट्री में जाके इनकी काम लगती है, तो दे डू नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ स्किल्ड लेबर्स। ठीक है, इनकी जो वर्किंग आवर्स है कहीं 13 घंटा आप देखेंगे, कहीं 12 घंटा देखेंगे, विच इज एक्चुअली ह्यूमनली इम्पॉसिबल। भाई 8 घंटा हमारा नॉर्मल वर्किंग आवर्स है, मैं भी कहीं पढ़ाती हूँ तो हमारा वर्किंग सेट 8 घंटा का रहता है। ठीक है, आप घर के, आप सिक्योरिटी को भी अगर आप काम में लगा दो, आप ये जानते हो, ये हमने 20 साल पहले से भी ये जान चुका है थ्रू दी वेरियस लेबर लेजिस्लेशंस कि 8 घंटा के पहले आप उन्हें काम में नहीं लगा सकते, मगर सो फार दीस अनस्किल वर्कर्स, उनके बारे में अगर देखोगे तो ये 12 घंटा 13 घंटा कंस्ट्रक्शन साइट में ये काम कर रही है। और तो और आप रिसेंटली आप देखोगे फॉर द फर्स्ट टाइम अहमदाबाद बेस्ड लॉयर ने IIM डायरेक्टर को ए
एक लीगल नोटिस दिया है थ्रू द साइड ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, जिन लोगों ने IIM विच इज सपोज टू बी द ड्रीम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उनकी कंस्ट्रक्शन कर रही थी और वहां पे इन्होंने फुल वेजेस का मांगा है। तो अभी सरकार का अगर काम ना करो तो फुल वेजेस नहीं देगी, सरकार इज बिकमिंग ऑन द मोर कॉर्पोरेट साइड। पहले सरकार की ये थी कि नहीं, अगर काम ही नहीं होता ये 3 महीना इनको इनकी सैलरी इनकी वेजेस नहीं कटेगी, मगर अब सरकार की कुछ दूसरा ही सुर सुन रहे हैं। तो उसपे क्या लगता है, ये माइग्रेंट वर्कर्स एक उनकी काम चली गई, दूसरा इनका आवर्स मेंशन नहीं है, तीसरा एवरी कॉन्ट्रैक्टर हु एम्प्लॉयज देम, इनको एम्प्लॉय किया जाता है उनको वो कॉन्ट्रैक्टर्स को लाइसेंस होनी चाहिए, प्लस ये जो माइग्रेंट वर्कर्स जहाँ वर्क कर रहे हैं यहाँ पे ये मजदूरों की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में ये पता चलने को मिलता है कि डेटा आपके पास होगा और ये डेटा के हिसाब से कितने वर्कर्स काम करते हैं। Now we have, हमारे इंडिया में from 79 onwards, we have Interstate Migration Workmen's Employment Act of 1979. ये एक legislation है जो कि ना हम सुने हैं ना आप सुने हैं। क्यों नहीं हम लोग सुने हैं, क्यों नहीं हम लोगों को ज्यादा चर्चित हुई है, क्योंकि माइग्रेंट लेबर्स की जो ये क्राइसिस है they were put in the backyard. Right. इनको लेके बहुत ज्यादा सोच विचार नहीं किया गया है। और अभी 3 बड़े-बड़े स्टेट, फॉर एग्जाम्पल यूपी, MP और राजस्थान, ये 3-4 स्टेट्स जो है जहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स बहुत अफेक्टेड हुए हैं, MP में काफी अफेक्टेड हुए हैं, यूपी में काफी अफेक्टेड हुए हैं, बिहार में काफी अफेक्टेड हुए हैं, झारखंड में बहुत अफेक्ट हुए हैं। बिहार में तो 12 से 15 लोग वर्कर्स रिटर्न आए फ्रॉम मुंबई, फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम राजस्थान। तो ये स्टेट्स अब सोच रही है टू चेंज, टू गो फॉर अ चेंज इन लेबर लेजिस्लेशन, और ये बहुत जरूरी बिकॉज हमारी जो डोमेस्टिक जो हमारा इकोनॉमी है ये आप देखिएगा तो पूरा पूरी जी वो पूरा माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। आज अगर उस शहर में माइग्रेंट वर्कर्स अगर माइंड मेकअप कर ले नहीं वापस जाने का तो वो उनकी तो हालत बहुत बुरी है, क्योंकि उनकी स्टेट प्रिपेयर नहीं है कि उनका वर्कर इस लेवल तक काम करे जो कि एक बिहारी मजदूर या यूपी की मजदूर या झारखंड की मजदूर इतना काम कर चुके। इट विल बी अ हैवी वर्कलोड फॉर देम। और इनकी जो ये जो वापस आए, जैसे कि सर अभी बता रहे थे, कोई पैदल आए हैं, कोई साइकिल में आए हैं, कोई भूखे प्यासे आए, ये जो नाइटमेयर्स हुआ है इनके साथ, ये जो फोबिया हुआ है, ये जो फियर हुआ है कि इनकी कोई सोशल सिक्योरिटी ये बड़े बड़े शहर में नहीं मिला, ये अनकेयर होके इनको छोड़ दिया गया है, मेरे ख्याल से ये बहुत सालों तक इनके दिमाग में बैठी रहेगी। और चांसेस है, हो सकता है ये अपना माइंड मेकअप कर ले फिर ना वापस जाने। और अगर वापस नहीं जाते हैं, ये बड़े शहर जो स्टैंप लगाते हैं ना, ग्रीन शहर, बड़े शहर, इनकी तो हालत काफी बुरी हो जाए, मेरा यही सोच। सर, जैसे आपने कहा कि अभी सारे के लेबर्स मजदूर जो है वो ट्रक्स में जा रहे हैं, ट्रेन्स में जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने जो सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला अपनाया था कि 2 फीट की दूरी पे सब लोग रहेंगे और डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि इस ग्राउंड रियलिटी में सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला अपनाया गया है रिगार्डिंग दीज माइग्रेंट लेबर्स? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो बेहद जरूरी है COVID-19 के फैलाव को रोकने के लिए, लेकिन हम देखते हैं चाहे जब जरा सी छूट मिलती हो, बाजार खुलते हो, लोगों की आवाजाही सड़कों पर शुरू होती है, कहीं पर भी अगर किसी भी तरीके से सोशल गैदरिंग होती है या फिर मजदूरों का, ये सारी बात फिर धरी की धरी रह जाती है, चाहे मुंह ढकने की बात हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे सैनिटाइज करना हो, खुद को साफ सफाई हो, संक्रमण को रोकने के कोई और तरीके हो, फिर ये बात सिर्फ बात रह जाती है। तो ये बहुत चुनौतीपूर्ण है और इसमें बहुत बड़ा कारक है शिक्षा। जो समझदार है वो जानता है कि किस तरीके से इस माहौल में खुद को ढालना है, अपने परिवार के बीच किस तरह की पाबंदियां रखनी है, किस तरह के माहौल को अपने अपनी जिंदगी, अपनी दिनचर्या को किस तरीके से ढालना है, वो समझता है। लेकिन जब बात शिक्षा के
बात करें तो हम देखते हैं कि वहां पर ये बात इसलिए भी प्रभावी नहीं हो पाती क्योंकि एक मजदूर है जो अपने परिवार के साथ घर जाने की जद्दोजहद में जुटा हुआ है, उसके पास अगले वक्त का खाना भी नहीं है, भोजन भी नहीं है, उससे हम क्या उम्मीद करें सोशल डिस्टेंसिंग की? इस वक्त तो चुनौती है उसके वजूद की, इस वक्त तो चुनौती है कि वो कैसे सर्वाइव करेगा। तो ये बड़ी आबादी हमारे देश की है जो इस तरह की किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार नहीं है, और ये बड़ा चैलेंज है सोसाइटी के सामने कि हम उन लोगों को भी अपने ही शरीर का एक हिस्सा माने, उन मजदूरों को, उन गरीबों को, उन बेसहारा लोगों को, उन अशिक्षितों को, और समझें कि यही अवेयरनेस हमें उन लोगों तक भी पहुंचानी है ताकि वो भी इस लड़ाई में बराबर के हमारे पार्टनर बने। बिल्कुल सर। सर क्या आपको नहीं लगता है कि गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है इस चीज को? बिल्कुल, मुझे नहीं लगता बीते कई दशकों में ऐसी कोई चुनौती सरकार के सामने आई हो जब आबादी पर संकट हो। आबादी पर संकट है मतलब इसके साथ जितनी चीजें जुड़ी हैं उन सब पर संकट है, हमारे भविष्य पर संकट है, तो सरकार ने कभी सोचा नहीं था। लेकिन दिसंबर जनवरी से जब हमने सुना कि चाइना से ये बीमारी पनपी, कई मुल्कों में आगे बढ़ी, अमेरिका, इटली, लेकिन फिर भी हमें शायद ये भान नहीं था कि भारत इस चपेट में आएगा। और बिल्कुल जब होली बीती, 10 मार्च, 12 मार्च, 15 मार्च के इर्द-गिर्द ये लगने लगा कि भारत भी अब इसकी चपेट में आ रहा है, और फिर उसके बाद जो हुआ बीते 2.5 महीनों में सबने देखा। तो अभी सरकार के लिए चुनौती तो है, चुनौती कई स्तरों पर है। पहली चुनौती तो ये है बीमारी का फैलाव होने से कैसे रोका जाए। अभी तक माना जा रहा था कि शहर इसकी चपेट में है, लेकिन जब माइग्रेंट लेबर गाँव की तरफ पड़ाल, एक एक जिले में लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं, तो ये माइग्रेंट लेबर जब अपने गाँव आए हैं तो जाहिर सी बात है कि ये बीमारी लेकर भी पहुंचे हैं। और अभी हमारे पास जो टेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, जो पद्धति है वो बहुत धीमी है, सुस्त है, तो अभी तो पता ही नहीं कि इसका असर कितना हुआ है। तो चैलेंजेस तो हैं, इसके बाद इन मजदूरों के पुनर्वास की समस्या आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और जो बोझ है वो तो बढ़ना ही है। तो आप सरकार पर छोड़कर सब कुछ ये मान ले कि सरकार करेगी तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं। सोसाइटी की कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी होगी, हर इंडिविजुअल की रिस्पांसिबिलिटी होगी, जो आदमी सक्षम है उसकी रिस्पांसिबिलिटी होगी कि वो डिप्राइव्ड लोगों को और जो पीछे छूट चुके लोग हैं उनको अपने साथ आए। मैं शुरू से ये बात बोल रहा हूँ, कलेक्टिव एफर्ट इसलिए क्योंकि ये वक्त ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने की ये कोई बीमारी है, 2-4 महीने की बात है, ये फेस लंबा खींचने वाला है। अगर आप मान लीजिए कि 1 साल हम इस बीमारी से जूझने में, इस चुनौती से निपटने में लगाएंगे, तो उसके बाद आने वाला एक लंबा वक्त इससे उबरने में लगेगा, तो उस वक्त हम लोगों की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाएगी। मैम आपको क्या लगता है कि इन लेबर्स को पहले से ही सेटल कर देना चाहिए था थ्रू गवर्नमेंट, क्या ये एप्रोप्रिएट स्टेप रहता गवर्नमेंट के द्वारा? नहीं, गवर्नमेंट की तो लैचेस है ही है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं है। जब माइग्रेंट को वर्कर्स को जब लाया जा रहा था बस और ट्रेन के द्वारा, आप बहुत जगह देखे होंगे कि जो जिस स्टेट में उनको लाया जा रहा है वो स्टेट कोऑपरेट नहीं कर रही है, ट्रेन बहुत समय बंद हो जा रही है। इन लोग स्टेशन में आके पहुंचे, 3-4 दिन पहले की घटना है, इन लोगों ने स्टेशन में आके पहुंचा, इनको बोला गया न्यू दिल्ली से आपको गोरखपुर ले जाया जाएगा और वेरियस और सब जगह में ले जाया जाए, और इन्होंने आके देखा कि ट्रेन बंद है, 8-8 घंटा 9-9 घंटा से वो स्टेशन के बाहर पड़े हैं इस कड़ी धूप में, दिल्ली जैसी शहर में जहाँ पे 42 डिग्री टेम्परेचर होती है इस महीने में। तो वो बिना खाए बिना पिए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे को लेके, बहुत समय प्रेग्नेंट वुमेन है वो बैठी हुई है, तो सरकार को तो ये चीज सोचना ही चाहिए था। अब क्यों नहीं सोची सरकार? आप देखिएगा, अगर आप कितनी देखिएगा, वो एक लॉ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2019 को इन्होंने लास्ट ईयर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो इंट्रोड्यूस जब किया था इनके दिमाग में ये तो थी ही कि इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स की हालत अच्छी नहीं है। नॉट ओनली दैट, जो कॉन्ट्रैक्टर इनको एल्योर करके पैसे का लालच दिखा के शहर के तरफ लाता है, उस कॉन्ट्रैक्टर की लाइसेंस होनी चाहिए। तो हमारी जो 13 लेबर लेजिस्लेशन ये मॉडिफाई करने जा रहे हैं कन्वर्टिंग इनटू अ कोड
which is जिसको कहते हैं हम लोग occupational safety, health and working conditions for 2019. तो एक साल पहले ही सरकार जब इसकी इसको चेंज के बारे में बोल रही थी, मतलब ये है सरकार इस चीज के बारे में चर्चा कर रही थी. दूसरी बात है, आप नेबरिंग स्टेट में देखो, आप बांग्लादेश में देखो, वहां की प्रधानमंत्री, वहां का छोटा देश है और काफी पॉपुलेटेड देश है, वहां की प्रधानमंत्री जब अनाउंस की लॉकडाउन तो वो 7 दिन की समय दी थी. तो हमारे गवर्नमेंट ने तो हमें 7 दिन का भी समय नहीं दिया. और अगर मैं हमारी मिडिल क्लास और अपर क्लास अगर अफेक्टेड होते हैं लॉकडाउन से, तो सोचिए हमसे भी जो कम छोटे छोटे पद के जो लोग हैं जो लॉकडाउन अफेक्टेड है, छोटे पद के भी लोग जो लॉकडाउन अफेक्टेड है, तो उनकी बहुत ही खराब हालत हुई होगी. उनको राशन नहीं मिल रहा है, कहीं पे अगर वो आके फंसे हुए हैं उनको कैंप में ले लिया जा रहा है, तो वहां पे वैसे प्रबंध नहीं है नहाने खाने पीने की पानी बोलिए या बाथरूम वॉशरूम की है, वैसे प्रॉपर बाथरूम में नहीं है. गया में जिस कॉलेज में उन्हें रखा गया था, वहां पे आप रीजनल चैनल में दिखा रहा था, वो दीवार वॉल जो है कंपाउंड वॉल, वो तड़प तड़प के दूसरे जगह जाके नहा के आ रहे हैं. वो भी एक ट्री को, ट्री का ट्रंक जो होता है लकड़ी को बीच में रख के उसी में चढ़ के वो भाग भाग के दूसरे जगह से नहा के आ रहे थे. वहां पे 220 वर्कर्स के थे, जबकि वहां के डीएम का ये दावा था कि उन्हें राशन दिया जा रहा है और तो और उनको मॉस्किटो नेट दिया जा रहा है. यहाँ पानी की सुविधा नहीं है और बड़ी बड़ी बात है, मच्छरदानी की बात कर रहे हैं. तो हालत तो सही में बहुत खराब थी, ग्राउंड रियलिटी वो कहने लायक नहीं था, बहुत खराब थी. हम लोग जब घर बैठे हमें इतनी चैलेंजेस फेस करनी पड़ी, तो उन्हें तो फेस, वो तो फेस कर ही रहे थे, दे आर ऑन द रोड. और आप देखिए उनके बहुत लोग का एक्सीडेंट हो गया, ट्रक एक्सीडेंट्स में बहुत लोग मारे जा रहे थे, बहुत लोग पैदल चलते चलते इस हीट में डिहाइड्रेशन और हीट शॉक से मारे जा रहे थे, बहुत लोग के पास पैसे नहीं थे वो भूखे थे, बहुत जगह ट्रक उनसे पैसा एंट ले रहा था, मैं दे वर स्क्वीजिंग मनी फ्रॉम दीज लेबरर्स, ये भी टीवी चैनल में दिखाए जा रहे थे. तो सरकार तो जानती ही थी, ऐसी ही बात नहीं है. जब लेजिस्लेशन जुलाई में ये इंट्रोड्यूस किए हैं ऑन चेंजिंग द लेबर लेजिस्लेशन, 13 हमारे लेजिस्ट लेजिस्लेशन है, ऐसी बात नहीं थी कि सरकार के पास इनकी जानकारी नहीं थी. उनके पास सब जानकारी थी, मगर इन्होंने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया. वो सिर्फ चाह रहे थे कि हमारी पॉपुलेशन को बचाने के उनकी ये ऑब्जेक्टिव थे, वो मानते हैं WHO का गाइडलाइंस वो मान रहे थे, इसमें हमारी दो राय नहीं है, मगर ये पॉपुलेशन, ये जो माइग्रेंट वर्कर्स है, ये जाए तो कहाँ जाए? घर चला गया, नौकरी चली गई, संसार चला गया, कुछ के अपने बहुत प्रियजन की मृत्यु हो गई, तो ये जाए तो क्या जाए? तो ये क्या सरकार को कभी दिखी नहीं थी? ये पुअर माइग्रेंट, चूंकि वो गरीब है, यही इनकी सबसे बड़ा हिंड्रेंस है. गरीबी होना क्या आफत है हमारी कंट्री में? इट इज समथिंग वन विल नेवर फॉरगेट इन लाइफ. ये कभी नहीं कोई इस चीज को भूल सकता है. और आप बंगाल में देखिए, अभी आप रिसेंट साइक्लोन में एक बंगाल में कोविड केसेस बहुत है, और ऊपर तो और ये साइक्लोन जो है, आप गाँव के तरफ के जो विलेजर्स को आप देखिएगा, उनके पास ना पानी है, ना बिजली है, ना हेल्थ केयर सिस्टम. हमारी हेल्थ केयर सिस्टम वैसे ही खराब है. आप मगर बनस्पत की आप केरला में देखिए, वहाँ लिटरेसी इतनी ज्यादा है, मगर केरला गवर्नमेंट ने अपना COVID-19 केसेस बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया है. और इनफैक्ट वहाँ का तो कल हम पढ़ रहे थे कि हेल्थ मिनिस्टर को BBC भी आके उनको बहुत ये अप्रिशिएशन कर रहे थे. तो मतलब है कि वहाँ का जो गवर्नमेंट सेटअप है वो काफी काम किया है, और वहाँ की पब्लिक काफी अवेयर है कि COVID-19 क्या है, कैसे अपने आप को बचाया जा सकता है. मगर बंगाल में क्या आप अभी सोशल डिस्टेंसिंग की बात करना सही रहेगा, जहाँ की लाइफ एंड डेथ का सवाल है? आज भी कलकत्ता शहर में बिजली नहीं आई है, आपको मालूम है? आज भी कलकत्ता शहर में पीने का पानी, चूंकि बिजली नहीं है तो घरों में पंप नहीं चल रही है, और पंप नहीं चल रही है तो पीने की पानी नहीं मिल रही है. तो आप सोचते हैं यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग क्या पालन हो सकता है? नहीं हो सकता है. तो सोशल डिस्टेंस
वैक्सीन की बात वही कर सकते हैं जहाँ उसको हम पालन कर सकते हैं, मगर आप बंगाल और उड़ीसा की जो अभी हालत है तो अभी सोशल डिस्टेंसिंग की बात करना तो बहुत ही बेकूफ। Sir, my last view on like future aspect of labor after COVID-19, क्या उनके लिए कितना और challenging हो सकता है? तो ये मेरा आपसे view जानना है, specially media view. इस बात को समझना होगा कि जो मजदूर हैं, वो इस देश के औद्योगिक ढांचे की नींव हैं. इसके अलावा बात करें हम इकोनॉमी की या फिर देश की तरक्की की, तो इन सब की बुनियाद मजदूर की है. लेकिन बीते कुछ समय में मजदूर ने जो दौर देखा है और बाकी देश का जो नजरिया रहा है, सरकारों का जो नजरिया रहा है, हमारे सिस्टम का जो बर्ताव रहा है उसके साथ, तो ये मजदूर निराश हुआ है. वो वापस अपने गांव चला गया है 70-80% लेबर करने के तौर पर, तो वो लौट चुका है 20-25% अभी भी जाने की जद्दोजहद कर रहा है. वो निराश हुआ है, वो उस बर्ताव से निराश हुआ है जो उसको लेकर पूरे समाज ने उसके साथ सलूक किया है. तो ये माना जाए कि अब वो दोबारा महानगरों की तरफ लौटने का साहस जुटाने से पहले एक बार सोचेगा. वो डरा हुआ है, वो भविष्य में ये इंश्योर करना चाहेगा कि कहीं दोबारा ऐसे हालात न बने कि वो अपने परिवारों के साथ फिर दौड़ता भागता बेबस अपने गांव की तरफ लौटे. तो पहली कोशिश तो वो ये करेगा कि वो गांव में ही स्थापित हो सके. हमने कई मीडिया बाइट्स में ये सुना, कई मजदूरों को, हजारों मजदूरों को हमने सुना कि अब वो एक बार अगर अपने गांव पहुंच जाए तो वो दोबारा कभी शहरों का रुख नहीं करेंगे. तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि मैन पावर कहाँ से आएगा. ये बहुत अच्छी बात है अगर वो गांव में ही फिर से स्थापित हो जाता है, और क्यों ना, अगर गांवों को मजबूत बनाया जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी. लेकिन इसके बरक्स हमें मजदूरों के उस भरोसे को जगाना होगा कि शहरों में उसकी हिफाजत की जाएगी. उसको लेकर सरकारें गंभीर हैं, उसको लेकर हमारा समाज गंभीर है. आपने मीडिया के नजरिए से मुझे भविष्य के चैलेंजेस पर बात करने की लिए पूछा है. बीते कई समय से हमने जो टीवी डिबेट्स देखते थे, कई ऐसे विषय होते थे जो बीमारी होते थे, लेकिन मजदूर एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी बात है जिस पर लगातार चर्चा हो रही है. मुझे लगता है इन्हीं मजदूरों को ध्यान में रखकर भविष्य में पॉलिसी बननी चाहिए. मीडिया की कान फोड़ू डिबेट्स से बेहतर है कि कुछ ऐसी रचनात्मक या सृजनात्मक नीतियों पर डिस्कस हो, ऐसे डिबेट्स हों, ऐसी बहसें हों, ऐसे सेशंस हों जहां पर ये बात हम तय कर सकें कि हम उनको लेकर क्या सोचते हैं. मीडिया को भी अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा. आने वाला वक्त बेहद चुनौतीपूर्ण है. हम अभी जो देख रहे हैं इससे कहीं ज्यादा चैलेंजेस हम सबको अभी आने वाले वक्त में देखना है. रही बात आपदा की, तो आपदा तो आई है, उसका सामना करना ही है, लेकिन भविष्य बहुत चुनौतीपूर्ण है और इसको हमें बहुत गंभीरता से लेना. सर और मैम, आप दोनों का बहुत ही शुक्रिया. आप लोगों ने बहुत अपना कीमती समय हम लोगों को दिया. दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि हमारे कैसे ये एमिनेंट पैनलिस्ट ने जो बहुत ही सटीक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है मजदूरों के लिए, जो कि हमारे एक ढाल है, एक बैकबोन है हमारी इकोनॉमी की. तो आप लोगों ने देखा कि उनकी क्या कंडीशन है, कितनी पैथेटिक कंडीशन हो रखी है इन लोगों की. तो मैं आप दोनों पैनलिस्ट का बार बार फिर से धन्यवाद करती हूँ. धन्यवाद आपको भी. इसी आशा के साथ हम फिर जल्दी मिलेंगे. धन्यवाद.